प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक हिंदी का 4 करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे वचन, एकवचन, बहुवचन में अंतर समझना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाएं। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द दे रखे हैं और सामने 3 शब्द दे रखे हैं, जो सही होगा वो आपको करना है। माला का बच्चों हो जाएगा मालाएं, ये 2 है, माली माले, ये गलत है। बच्चा का होगा बच्चों बच्चे। कथा का कथाएं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। घर में यहाँ पर आएगा चीजें, बहुवचन लिखना है आपको, चीजें लिखना है। चीज सेट नहीं बैठता बच्चों, यहाँ पर चीज बिखरी पड़ी है, नहीं आएगा चीजें। दूसरा है, लड़के मेला देखने गए, क्योंकि लड़का, एक अगर हम लड़का लिखते तो यहाँ पर गया आता, लेकिन यहाँ गए आया, ये बहुवचन के लिए है और बहुवचन लड़के है। तीसरा है, टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हैं। अगर ये पुस्तक होता तो यहाँ पर ये लिखा होता, टेबल पर एक पुस्तक रखी हुई है, यहाँ पर कुछ आया है, ये बहुवचन के लिए आया, तो आप यहाँ लिखोगे पुस्तकें। मेरे आते ही सारी, सारी का मतलब बहुवचन है, यहाँ तितलियां आएगा। सारी मतलब बहुवचन में आ गया, ज्यादा सारी है तो यहाँ पर तितलियां आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एकवचन और बहुवचन को अलग छांट छांट कर आपको लिखना है। एकवचन वाले एकवचन में लिखेंगे, बहुवचन वाले बहुवचन में लिखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिबिया से, तो डिबिया क्या है, बहुवचन आएगा। अगर डिब्बी होता तो वो बच्चों एकवचन में आता, ये डिब्बी है। नेक्स्ट है बच्चों तलवार, तलवार एकवचन है, तो हम नंबर वाइज इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर है बच्चों रोटियां, रोटियां बहुवचन में आ जाएगा, रोटी एकवचन है, रोटियां बहुवचन है। तारा, तारा बच्चों एकवचन में आएगा, और कौवे, कौवे बहुवचन में आ जाएगा, चादर एकवचन में। नेक्स्ट है बच्चों बर्तन, बर्तन भी बहुवचन में आएगा, बर्तन बहुत सारे होते हैं, अगर एक होता तो उस बर्तन का नाम लिखा होता, ठीक है। बच्चे, बच्चे भी बहुवचन में आएगा। अनेक, अनेक आएगा बच्चों बहुवचन में। तो बर्तन बच्चों बहुवचन भी हो सकता है, एकवचन भी, क्योंकि अपने कहते हैं कि बर्तन रखा हुआ है। अब बर्तन का बहुवचन क्या बनेगा, बर्तने, बर्तनों, तो बर्तन बच्चों एकवचन में भी आ सकता है और बहुवचन में, क्योंकि बर्तन का जो बहुवचन होता है वो बर्तन ही होता है। अनेक बच्चों हो गया, गुड़िया, गुड़िया हो जाएगा बच्चों बहुवचन में, मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ। और भाला एकवचन में, और मटका एकवचन में। अब बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न में, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके लिखिए। ये है बच्चों लाइन, मैं बाजार गए, तो ये बच्चों वाक्य गलत है, मैं की जगह पर हम आएगा, हम बाजार गए। या था मैं बाजार गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम बाजार गए। उसकी बहने ने राखी बांधी, उसकी बहनों ने राखी बांधी, या उसकी बहन ने राखी बांधी। आपको वाक्य को शुद्ध करना है, आप कैसे भी करो। उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया, यहाँ पौधा नहीं आएगा, पौधे आएगा, ठीक है। बच्चों ने मिलकर
बच्चों ने अपने मिलकर पौधे लगाए, तो इस तरह से बच्चों आज की आपकी वर्कशीट नंबर 5th कंप्लीट होती है। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इंग्लिश और मैथ की वर्कबुक पर भी बच्चों वीडियो बन चुके हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी सब्जेक्ट यहीं सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू।